हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दुनिया का सबसे बड़ा टिफिन बॉक्स। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया का सबसे बड़ा टिफिन बॉक्स है यहाँ पे जहाँ पे आई हुई हूँ। और सच में उसे देख के मैं इतनी हैरान हूँ कि हमारी फैमिली के 40 बंदे उस टिफिन बॉक्स से पेट भर के खा सकते हैं, साथ में बच भी जाएगा। अगर बाहर के और लोग भी आते हैं तो वो बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विंग बाउल्स दिख रहे होंगे जिनमें खाना ऑलरेडी रखा होता है और उसमें से निकाल के खाते हैं। ये शादियों में अक्सर आपको दिखते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो खुल जा सिम सिम, अरे ये तो खाली है, शायद अगले वाले में जरूर होगा। इसको खोलते हैं, खुल जा, ये भी खाली है। इसमें तो जरूर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता सारे खाली है, क्योंकि यहाँ खाने वाले लोग इतने आएंगे तो सामान तो बना हुआ ऑलरेडी होना चाहिए। तो इसको भी देखते हैं, खुल जा, ये भी खाली है। ये तो मजाक बना दिया गाइस हमारा, चलो इसमें तो कुछ होगा ही। ये खोल लेती हूँ, अब लग रहा है इसमें पूरी उड़ी तो मिल ही जाएगी। खुल जा, बेइज्जती हो रही है बार बार मेरी, ये अच्छा नहीं है, होटल वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरा खोल खोल के दिखा रही हूँ, सब में खाली है, कुछ में है ही नहीं। तो ये वाला खोल लेते हैं, अब ज्यादा देर नहीं करती हूँ, फटाफट खोलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इनमें भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई बेइज्जती। तो अब यहाँ आ जाते हैं, तो इसी लंच बॉक्स की मैं बात कर रही थी। भाई मेरी हाइट के जितना लंच बॉक्स है और इसे उठाने के लिए मुझे लगता है 4 बंदे तो लगते ही होंगे, क्योंकि अभी ये खाली है। जब इसे भर जाएंगे तो 4 बंदे उठा के ले जाएंगे। और सूरज भैया की शादी में मैंने सोचा है कि जो हलवाई हमारे यहाँ आता है ना, उन भैया को बोलूंगी अपने घर से बना के ले आओ, इस लंच बॉक्स में डाल के हमारी पूरी बारात और हमारी लड़की वाले सारे इस लंच बॉक्स में से खाना खा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है ये। और इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं देख लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये लगा लो 4 सब्जियां जाएंगी, एक मीठा आ जाएगा और एक रोटी जो भी आपको खानी है और एक चावल आ जाएंगे। मतलब इसने इतने बड़े लंच बॉक्स में आपकी शादी का पूरा खाना आ सकता है। तो भाई ऐसा करती हूँ, अब एक एक बंदा बुला के मैं पूछती हूँ कि इस लंच बॉक्स में कितने लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। मेरा एस्टिमेट है 40 लोग खा सकते हैं। तो पहले बुला लेती हूँ मैं सूरज भैया को। सूरज भैया, भाई मैं सूरज भैया से पूछ लेती हूँ कि इस लंच बॉक्स से कितने लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। इसमें 50 लोग खा लेंगे आराम से। तो सूरज भैया ने बोला है 50 लोग। अब मैं धीरज भैया से पूछती हूँ, धीरज भैया आ जाओ। एक बॉक्स से 10 लोग खा सकते हैं, 6 है, 60 लोग खा लेंगे आराम से। 60 लोग खा सकते हैं। मैं गोलू को बुला लेती हूँ, गोलू आ जा भाई। अब तू बता इस लंच बॉक्स से कितने लोग खा सकते हैं। इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50। 40 से 50, मतलब एस्टिमेट वही आ रहा है 40 से लेके 60 तक। अब होटल वालों से पूछते हैं कि इसमें कितने लोग एक बारी में खाना खा सकते हैं। तो होटल वालों से पूछ के आते हैं। होटल वालों से पूछने से पहले एक बार क्लोज देख लो भाई, लंच बॉक्स की विड्थ लेंथ कितना बड़ा है ये। तो कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लंच करने आए हैं शायद फैमिली के साथ, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि इस वाले लंच बॉक्स से कितने लोग एक बारी में खाना खा सकते हैं। भैया वो लंच बॉक्स दिख रहा है आपको? हाँ। उसमें एक बारी में कितने लोग खाना खा सकते हैं? अराउंड 30 से 50 तक आ सकते हैं। वो तो ऑलरेडी इनके लिए जो हमारा सिविल कोर्ट है इधर, ओके, उनके लिए बनाया जाता है वो। तो भैया का भी जवाब है 30 से 40। इधर दीदी बैठी है, इनसे भी पूछ लेते हैं, आपके हिसाब से उस लंच बॉक्स में कितने लोग खाना खा सकते? वही 30 से 40। 30 से 40, मतलब हमारा एस्टिमेट बिल्कुल ठीक था, हम थे 40 से 60। भैया आपके हिसाब से? वही 50 लगभग हो जाएगा। 50 लगभग, मतलब कह सकते हैं कि अगर 100 बंदे की बारात है तो आधी बारात इससे खाना खा सकती है गाइस। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है अगर कोई डाइट पे है तो 100 लोग खाना खा सकते हैं, और अगर पूरा तामझाम या फिर जो डाइट वाइट कुछ नहीं करता तो 40 से 50 लोग खाना खा सकते हैं। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग ये खाना खा सकते हैं इसमें।